नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? इसका हो गया क्वेश्चन आंसर आपका रीता मुंडा, झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? सूतिया पाहन द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था। सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? ये सूतिया नागखंड रखा था। सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सूतिया नागखंड का प्रथम राजा सूतिया पाहन था। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? सूतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। नागवंशी राज की स्थापना कब की गई थी? नागवंशी राज की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज की स्थापना फणी मुकुट राय ने की थी। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? प्रथम नागवंशी राजा मणि मुकुट राय थे। नागवंशी शासक फणी मुकुट राय की राजधानी थी। सूतियांबे। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज की स्थापना कब की गई थी? जे रीड के अनुसार नागवंशी राज की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का राज्य कितने प्रगणों में विभाजित था? 66 प्रगणों में विभाजित था। निम्न में से किस राज्य को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? इसका आंसर हो गया आपका ए फणी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। फणी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुई थी? पंचेत राजघराने की राजकुमारी से हुई थी। पंचेत राज स्थित था नागवंशी राज के पूर्व में। फणी मुकुट राय ने पंचेत राज की स्थापना
फणी मुकुट राय ने पंचेत राज की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? इसका आंसर हो गया क्योझोर राज्य। क्योझोर राज्य स्थित था, इसका आंसर हो गया नागवंशी राज्य के दक्षिण में। निम्न में से कौन राज्य नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का दीवान था? भवराय श्रीवास्तव। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? इसका आंसर हो गया आपका फणी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था।